ये है नाइकी क्वेस्ट 4 रनिंग शूज और इन्हें मैं पिछले 5 महीने से यूज कर रहा हूँ रनिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, जिम में वर्कआउट करने के लिए। तो फिर इनकी प्रॉपर टेस्टिंग हो चुकी है और अब टाइम है इन पे वीडियो बना के यूट्यूब से ढेर सारे व्यूज कमाने का। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे, मजाक कर रहा हूँ। अब टाइम आ गया इसका एक इनडेप्थ रिव्यू करने का कि ये कितना अच्छा या खराब रनिंग शूज है, इसमें आपको कम्फर्ट कितना मिलेगा, इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है और क्या ये अपने प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई कर पाता है या नहीं। तो अगर आप एक रनिंग शूज ढूंढ रहे हो या फिर आप जिम में ज्यादा कार्डियो पे फोकस करते हो, ज्यादा रनिंग या वॉकिंग करते हो, इन दैट केस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले इनकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो इन शूज को मैंने मिंत्रा से मंगाया था और ये काफी ज्यादा शानदार पैकेजिंग में डिलीवर हुआ था। मतलब अभी तक मैंने जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग करी है, मिंत्रा से, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी, तो मुझे जितने भी पार्सल्स डिलीवर हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा अच्छी कंडीशन में यही पार्सल डिलीवर हुआ था। कहीं से भी इसका बॉक्स दबा हुआ या मुड़ा हुआ नहीं था। इसको आप ओपन करोगे तो इसके अंदर आपको एक ऑरेंज कलर का प्रीमियम सा नाइकी का शू बॉक्स मिल जाता है। बेसिकली आप नाइकी के फिजिकल स्टोर से भी अगर आप इस शूज को खरीदते कुछ वैसा ही फील आता है इस बॉक्स को देख के, क्योंकि इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। एक और चीज क्लियर कर दूं कि ये वीडियो नाइकी ने या फिर मिंत्रा ने स्पॉन्सर नहीं किया है। काश किया होता, लेकिन कोई बात नहीं, फ्यूचर में नाइकी से भी स्पॉन्सरशिप जरूर लेंगे। पैसा ही पैसा होगा। अब फिर से मुद्दे पे आ जाते हैं। इस ऑरेंज बॉक्स को आप ओपन करोगे तो इसके अंदर आपको ब्रांड न्यू नाइकी क्वेस्ट 4 रनिंग शूज मिल जाते हैं, वो भी एकदम टेंच हालत में। इन हैंड टच एंड फील एंड लुक की बात करें तो देखने में कुछ ऐसा लगता है ब्लैक एंड व्हाइट के कलर कॉम्बिनेशन में आता है। वैसे इसके और भी कलर कॉम्बिनेशन आते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ब्लैक एंड व्हाइट ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये उतनी जल्दी गंदा नहीं होता और इसको साफ करना भी बहुत आसान है। इसे आप वॉश कर देते हो तो एकदम ब्रांड न्यू हो जाता है। अगर इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो इस साइड पे आपको नाइकी के दो लोगो देखने को मिल जाते हैं, एक फ्रंट पे और एक बैक पे हील वाले एरिया में। और इस जगह पे भी आपको रनिंग देखने को मिल जाएगा, नाइकी का एक लोगो छोटा सा देखने को मिल जाएगा। और पीछे से इसके सोल के डिजाइन की बात करें तो वो थोड़ा सा कर्वी है, जो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आया। इसके दूसरे साइड पे आपको नाइकी का फेमस स्लोगन जस्ट डू इट प्रिंटेड मिल जाता है, एंड दैट लुक्स इवन बेटर। एक चीज इन शूज की जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई वो ये है कि ये काफी ज्यादा लाइट वेट है। ये वेट की बात करें तो इनका वेट है अराउंड 470 ग्राम्स। पहनने पे ये और ज्यादा लाइट वेट लगते हैं। इन शूज के इनर सोल की अगर बात करें तो इस पे भी रनिंग लिखा हुआ था, अभी ये मिट गया क्योंकि इनको मैंने यूज करा काफी दिनों तक के। थोड़ी देर में इसकी आपको पुरानी फुटेज दिखा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली इसका इनर सोल लगता कैसा था, क्या इनर सोल कितना ज्यादा सॉफ्ट या कितना ज्यादा हार्ड है। पे अगर बात करें तो ये ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट है ना बहुत ज्यादा हार्ड है। ऐसे प्रेस करके तो ज्यादा समझ में नहीं आता है, लेकिन अभी आपको मैं पहन के दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना ज्यादा कंफर्टेबल है या कितना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। फाइनली मैंने इसे पहन लिया और पहनने पे काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, देखने में भी काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है नाइकी के किसी हाई एंड रनिंग शूज की जैसे। इसका जो प्राइस है वो उन शूज से थोड़ा सस्ता है। इस प्राइस रेंज में नाइकी के आपको 3 शूज और मिल जाते हैं जो इसके कॉम्पिटिटर है, वो इससे थोड़े सस्ते हैं, जैसे नाइकी डाउन शिफ्टर 12, नाइकी रिवोल्यूशन 5 और नाइकी रिवोल्यूशन 6। अब वो शूज भी काफी ज्यादा फेमस है और उनकी सेल भी काफी ज्यादा होती है, लेकिन मुझे पर्सनली देखने में ये ज्यादा बेटर लग रहा था ऑनलाइन, इसीलिए मैंने इसको मंगा लिया था। इसके कंफर्ट और स्टेबिलिटी की बात करें तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल और काफी ज्यादा स्टेबल है ये शूज। इसको पहन के मैंने वर्कआउट भी किया है, ट्रेडमिल पे रनिंग भी की है, आउटडोर रनिंग भी की है, और किसी भी चीज में इसने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया है। तो ट्रेडमिल की बात करें तो उस पर आपको काफी अच्छी ग्रिप मिल जाती है इन शूज से, और एक बहुत अच्छा फॉरवर्ड पुश भी मिलता है जो रनिंग शूज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका रीजन ये है कि इसका जो सोल है वो पीछे से काफी ज्यादा मोटा है, की वजह से आप थोड़ा फॉरवर्ड लीन रहते हो और अल्टीमेटली आपकी रनिंग में काफी ज्यादा हेल्प होती है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो ये फ्लेक्सिबल भी काफी अच्छा खासा है, और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी रनिंग शूज के लिए, क्योंकि अगर आपका रनिंग शूज फ्लेक्सिबल नहीं है तो इस एरिया में से और इन एरिया में से सबसे जल्दी आपका शूज फटना शुरू होता है। इन 5 महीनों मैंने इसको पहन के ट्रेडमिल पे बहुत रनिंग की है, वॉकिंग भी की है, वर्कआउट भी किया है, लेकिन फिर भी यहाँ से अभी तक कोई भी उतना ज्यादा वेयर आउट नहीं हुआ है और फटने के तो आसार नजर नहीं आ रहे हैं। और सच बताऊं तो मैंने आउटडोर रनिंग उतनी ज्यादा नहीं की है, थोड़ी बहुत की है तभी इन शूज की ऐसी हालत है, लेकिन फिर भी अगर आप एक आउटडोर रनर हो, एक हार्डकोर रनर हो, तो भी आपको ये शूज डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है और उतनी ज्यादा जल्दी नहीं फटेंगे, ड्यूरेबल काफी ज्यादा है। इन शूज के अगर आउटर सोल की बात करें तो देखने में कुछ ऐसा लगता है, काफी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करते हैं ये आपको। अब ये शूज इतना ज्यादा क्लीन इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं इसे वॉश करके वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको एक आइडिया लेना हो कि 5 महीने में कितना ज्यादा वेयर आउट हुए हैं ट्रेडमिल पे, तो वो चीज आप देख सकते हो। इन्हें वॉश करने के बाद भी थोड़ी सी गंदगी आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, लेकिन उतना चलता है। अब इन शूज के सोल का जो रबर होता है वो बहुत ज्यादा कंप्रेस तो नहीं होता है जैसे नाइकी के हाई एंड प्रीमियम शूज में होता है। फॉर एग्जाम्पल नाइकी पेगासस 40, नाइकी वेपर फ्लाई
नाइकी अल्फा फ्लाई, इन सारे शूज में आपको काफी अच्छी कुशनिंग मिल जाती है, कह सकते हो एकदम फोम के जैसी। लेकिन वही बात है, ये शूज काफी ज्यादा महंगे आते हैं, 10 से 20 हजार रुपए के प्राइस पॉइंट पे आते हैं, लेकिन ये उतना महंगा नहीं है, तो किसी न किसी चीज में तो आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसके फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको एक अच्छा प्रोटेक्शन मिल जाता है, क्योंकि जब आप रनिंग करते हो तो इस फ्रंट वाले एरिया में काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है और इस एरिया से भी शूज के फटने के चांसेस ज्यादा होते हैं और आपका टो बाहर आ सकता है यहाँ से। लेकिन यहाँ पे आपको एक अच्छा प्रोटेक्शन दिया है, थोड़ा सा हार्ड भी है, तो आपके शूज यहाँ से तो नहीं फटेंगे 1-2 साल में। इसके अपर मेश की बात करें तो ये भी काफी ज्यादा ब्रीदेबल है, और अगर आपके पैर में बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है तो ये शूज आपको अच्छा खासा वेंटिलेशन प्रोवाइड करेगा। अब ये सारी बातें हो गई इन शूज के पॉजिटिव पॉइंट्स की, लेकिन अब बात करेंगे इन शूज के नेगेटिव पॉइंट्स की। तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट ये है कि इन शूज के जो लेसेस हैं उनका डिजाइन तो काफी ज्यादा अच्छा है, देखने में काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी ये खुल जाते हैं। मतलब हर बार तो नहीं खुलते, लेकिन फिर भी 10 में से 2 बार तो खुल ही जाते हैं। और अगर आप एक प्रोफेशनल एथलीट हो, इंटेंस रनिंग करते हो, इन दैट केस आपको शायद ये शूज समझ में ना आए, क्योंकि अगर आप एक स्प्रिंट मार रहे हो और उस दौरान इन शूज के लेसेस खुल जाए तो वो बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। लेकिन अगर आपको ये शूज वर्कआउट के लिए चाहिए या फिर ट्रेडमिल पर रनिंग करने के लिए चाहिए, नॉर्मल डेली रनिंग के लिए चाहिए, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि इन शूज का जो प्राइस पॉइंट है वो है 6,000 रुपए, और ये एक डिसेंट प्राइस पॉइंट है, फिर भी आपको इनके सोल में बहुत ज्यादा कुशनिंग नहीं मिलती है। अब नाइकी का ही आप कोई और शूज खरीदो तो इस प्राइस पॉइंट पे या इससे थोड़े ऊपर प्राइस पॉइंट पे आपको उसके आउटर सोल में उतनी ज्यादा कुशनिंग नहीं मिलेगी। लेकिन नाइकी के अलावा और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, इंडियन ब्रांड्स हैं, जो आपको इससे ज्यादा कुशनिंग दे देंगे, वो भी इससे काफी ज्यादा कम प्राइस पॉइंट पे। इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर अगर इस चीज पे बात करी जाए कि किन लोगों को ये शूज खरीदना चाहिए, किन लोगों को नहीं खरीदना चाहिए, तो उसका जवाब ये है कि अगर आप एक प्रोफेशनल एथलीट हो, इंटेंस रनिंग करते हो, तब शायद आपको इससे बेटर ऑप्शंस मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप एक जिम गोवर हो, नॉर्मल कार्डियो करते हो, थोड़ी बहुत रनिंग करते हो, या फिर थोड़ी ज्यादा रनिंग भी करते हो 3 से 5 किलोमीटर के बीच, इन दैट केस आप इन शूज को कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे इन शूज का प्राइस है 5,995। मिंत्रा पे भी आपको ये 5,995 रुपए के आसपास मिल जाता है। कभी सेल चल रही हो तो आपको थोड़ा सस्ता मिल जाएगा 4,800 से 5,300 के बीच में। फ्लिपकार्ट पे भी आपको अराउंड 4,700 से 4,800 के बीच में मिल जाता है। आई डोंट नो इतना प्राइस गैप क्यों है अलग अलग शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन जो है वो है। इन शूज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां से आके आप इनका करंट प्राइस देख सकते। इस वीडियो को आप यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप मैंने इन शूज के बारे में सारी चीजें कवर कर ली इस वीडियो में, लेकिन फिर भी अगर कुछ मिस हो गया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लास्ट चीज, अगर वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल पे इससे ज्यादा सब्सक्राइबर होने चाहिए जिस हिसाब से मैं कंटेंट डिलीवर करता हूं, तो प्लीज भाई आप एक सब्सक्राइब भी कर देना। आप बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होगे, क्योंकि फ्यूचर में और अच्छा कंटेंट आने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे ग्रूम्ड। रिशनिशा साइनिंग ऑफ, अंटिल यू सी मी नेक्स्ट टाइम, टाटा।